नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पलरा गांव में खड़ी हूँ। यहाँ पर रास्ता न होने के कारण लोग कीचड़ से निकल रहे हैं, तो चलिए मैं दिखा रही हूँ जिस तरह से महिलाएं आ रही हैं। अपन लापा ना कब करा के कोनो बात जो हो कर है। कहाँ चली गई हूँ? अच्छा, ये रास्ता है। ये कहाँ गलिया जुड़ी है? अच्छा, तो कैसे लोग निकालते हैं? यही रहती है। क्या दिक्कत आती है? हाँ, आइए। और आ गया है क्या? पकड़े ऐसे पकड़े। क्या नाम है? मोरा बूढ़ा नाम है। क्या नाम है? बूढ़ा। बूढ़ा कहाँ के रहने वाले? ग्राम पलरा। तो क्या दिक्कत है आपको? साहब, हमको कहीं से कीचड़ से निकल रहे हैं, कहीं से हाइल हाइल, हमारे लिए रास्ता नहीं निकलने के लिए कहीं से। और कई महीने दिक्कत आती है आपको? हमको आती है, पूरे बरसात भर आती है दिक्कत। तो सुनने का मिलता तो है कि ये यहाँ पर RCC पास हो गई थी, और क्यों नहीं रोड बन पा रहा है, ये क्या कारण? यही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, क्या कमी है, तो कहे से नहीं रोड बन रही। खास करके कोई दलाल लगा है, कि कोई मान लो पैसे वाला लगा है, कि कोई गुंडा लगा है, हमको यही तो नहीं समझ में आ रहा। हाँ। आज 5 साल से हम याद कर रहे हैं। कौन सा मोहल्ला है यहाँ पर? कौन कौन? ये हरजन बस्ती है, हरजन पुरवा है, और नरी निकास है, पैलानी रोड। तो आपको क्या लगता है, हरजन बस्ती होने के कारण नहीं विकास हो पा रहा? हाँ, कुछ नहीं। और जब आपके गए सभा खरियान है ना, जैसे चुनाव आते हैं तो किस तरह के नेता आते हैं, क्या क्या वादा करते हैं? बहुत से नेता आते हैं, पैसा का बिखराव भी करते हैं, काम उजी करते हैं, सब करते हैं, और घर घर जाते हैं। कौन हमारे भी मेहरिया लड़कन के तक के पायन पर थी? जीतने के बाद? जीतने के बाद कोई सुनता नहीं है, काने में तेल डाल लेते हैं। देखने न आते होंगे? देखने यहाँ सकल नहीं दिखाते। कितने सालों से ये परेशानी है आपको? अरे आज कम से कम हो गए, कम से कम 70-80 साल हो गए यहाँ रहते। 35 साल? फिर कुछ नहीं आपकी सुनाई हो रही? कोई सुनाई नहीं है। कितने बार दरख्वास्त दिया गया, कितने बार क्या हुआ? इतने से घर भीतर पानी भर जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रजीत वर्मा। अच्छा, कहाँ के हैं? पलरा। क्या दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत है श्रीमान जी कि कम से कम 35 साल हो गए, हमारे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे नान बच्चे कीचड़ से निकल के जा रहे हैं, ना कोई गांगली का आदमी आ सकता है, ना हमारा कोई रिश्तेदार आ सकता है, ना हमारे कोई जानवर निकल के हाइल के जाते हैं। पानी भरा हुआ है चमास में। तो ये बताइए, जब बच्चे दलदल से निकलते हैं, किसी तरह के बच्चन के दिक्कत तो नहीं आई है? कहीं गिरे हो, या हाथ पांव टूटे हो, या किसी तरह की चोटें आई हो? हम मजबूरी है कि कीचड़ से निकल के जाते हैं, हेल के जाते हैं, कि अब क्या है उसमें की दिक्कत है कि मान लो ऐसे रख। हाँ। कोई चोट तो, तो, तो नहीं आती। दिक्कत है कि ये बच्चे कैसे गिर गया? कि काटा पा रहा है, कि सांप पा रहा है, ये रात बिरात हमको निकल के जाना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है। के लिए नहीं, हमारी जगह है तो लेटरिन के लिए जाते हैं, हेल के। तो अब हमको ये पता नहीं कि सांप बीची घूसा है कि बीची घूसा है। और दलदल कौन है? यही है जो दिखा दिया, और आपको वो मेन रोड में दिखाया। मेल ये पूर्व के निकलने की जगह नहीं है। कैसे निकलती है? क्या नाम है आपका? बताओ बताओ। कैसे कैसे में निकलती? हेल के। और जैसे पढ़े उड़े जाती हैं तो फिर कैसे जाती हैं, कहाँ से? हेल के जाते हैं। आपकी ड्रेस नहीं खराब होती? खराब होती तो सकोर के जाते हैं, जाते हैं। और कभी गिर गए तो गिर जाते हैं, भर जाते हैं।
कीचड़ में मर जाते हैं। और ये लड़का का चोट कैसे आई है? गिर गया, गिर गया है यही दलदल में। हाँ। कहाँ जा रहा था? पढ़े पढ़ने जा, हाँ, पढ़ने जा रहा था तो पढ़ के गिर गया। हाथ टूट गया। अच्छा आइए। क्या नाम है आपका? कहाँ गए रहे हैं? कैसे आपके चोट आई हाथ में? पढ़ने पढ़ने गए थे तो हमारा पैर फिसल के गिर पड़ा था, हमारा हाथ टूट गया। अच्छा कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए। दोनों हाथ टूटे शायद? दोनों टूट गए थे। यहीं से निकल रहे थे क्या? रास्ते नहीं, रास्ते नहीं है। समझ लिया चाहे वही समझ लिया, वहाँ भी निकलते रहे। अच्छा वहाँ से भी दिक्कत है? दोनों तरफ से रास्ता नहीं है? नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब पढ़े जाते हो तो ड्रेस वरस खराब हो जाती है जब गिर गए तो? फिर आपके पढ़ाई में दिक्कत आती है? टीचर लगी ना, मास्टर कभी मारते हैं कि लेट आए? मुँह से बोलो। हाँ मुँह से बोलो। हाँ कि लेट हो जाता है, कीचड़ से निकल के आते हैं, कपड़े भर जाते हैं, कीचड़ से निकल के आते हैं तो हम गिर पड़ते हैं तो स्कूल नहीं जा पाते। नहीं जा पा रहे हैं। कितने दिन से स्कूल नहीं गए हैं? चौमास भर नहीं गए हैं? 4 महीने से नहीं गए बच्चे। तो आप सुना यहाँ पर जो ये पलरा है, दलित बस्ती है, लोगों का कहना है कि 4 महीना इतनी दिक्कत आती है, इसी कीचड़ से लोग निकल रहे हैं और कई बच्चे भी स्कूली जो हैं स्कूल के लिए जाते हैं उनके ड्रेस खराब होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। अभी मैंने देखा है एक बच्चे का सीन जो उसका इसी दलदल से हाथ टूट गया है। और ये देखिए हम तरह बोलो क्या नाम है? साफिया। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हमें बहुत है साहब। किस तरह की? किस तरह की? हमारा हमारा लड़का भागा था तो गाड़ी घोड़ा नहीं आ सका था, कहने का तकलीफ हर चीज का है। हम नचा हुआ चाटी नहीं कर पाए, नहागे मुँह नहीं कर पाए, कहने बड़ी तकलीफ है। हम वही बहन ठहर रहा था दूर, हमसे बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ, दो चार से आदमी दोहराता है तो बताओ ये नहीं बन रहे तो हम कहते कब बन जाएंगे। तो आपके गांव में नेता मंत्री तो आते होंगे चुना के दौड़ा? अच्छा तो ये कौन सी बस्ती है? हरजन रहते हैं, कुल मिला के हरजन रहते हैं, तो इसीलिए नहीं यहाँ विकास हो रहा? नहीं हो रहा, बहुत लगाते हैं साहब, कोई सुनता नहीं। आपके यहाँ यहाँ के तुम ही हैं विधायक? तो पलानी दे रहा है विधायक, राजमंत्री भी बन गए हैं उनके, नहीं आए हैं आप? कुछ नहीं आए तो शकल तक नहीं तो कोई पहचान नहीं आता। वोट के लिए किस तरह से वोट मांग रहा था? कोई नहीं सुना, वादा कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, कोई नहीं सुनता यहाँ, कम से कम 2500 साल हो गए। आपके ग्राम पंचायत के जो प्रधान है उनसे नहीं कभी वादा कहा? अरे तो वो तो हराम जाते हैं, प्रधान कोई नहीं सुनता। वोट लेके अरे खरंजे डरा सकता है, डरा देता पहले जे वोट न देंगे रहे थे कहा मोबाइल के खरीदी है पैसा से खरीदी है जीत गए तो जीत गए तो सुनत नहीं। हमका यह बन जाए हमारा तो हम जाना गंगा नहाया, यती हमें परेशानी है। यह रास्ता पूरी हो वो रास्ता में मिला चाहिए जाऊँ हम रेट थे कहाँ जाते हैं लोग? गया गया का जो अधर जाते हैं टीरस जाते हैं तो यहाँ कीचड़ के मारे कोई चाउर छींटने नहीं आता, ये करने जाते हैं, ये मोहल्ला छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, बताओ रास्ते नहीं तो कहाँ से आए भाई? अगहन तक रास्ता नहीं मिल पाएगी,
दूर रास्ता नहीं हमको रेंगने के मिलती जाती है तो देख लो हम का तुम का नेहा कुछ देख लो भाई कलेक्टर का हमारा फोन करे अत्ता करिए नहीं हम तुम्हारे रास्ता में खूटब क्या नाम है कुछ दिक्कत है आने जाने में दिक्कत है नहीं है हम से नाम बच्चन का दुकान एक एक आदमी घर में ताके अपन लड़का बच्चा रह जाए थे कीड़ा मकूड़ा मान लो दे अब ये पता नहीं क्या घुसा है यहाँ का नाम से हमारे जो कुछ याद पावन में बोलते हैं खरवा तक हो जाती है खरवा हो गया है दिखाओ खरवा कहाँ पे है यहाँ कहाँ पे यहाँ 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 देख लिया देख लिया है हम तुमसे झूठ नहीं बोली था तुम देखते देखे आवा तुम हम देख लिया नाल गाड़ो है पानी वहाँ का रत्ता निहा देख लिया नाली निहा तो आप सुना यहाँ पर जो ये हरिजन बस्ती है पल्लाराम में और इन लोगों का ये भी आरोप है कि 35 साल से रास्ता ना होने के कारण से कई तरह की दिक्कत आ रही है घोड़ा वाहन भी नहीं आ रहा कोई तीर्थ जा रहा है तो वो भी नहीं आ पा रहा है और इस तरह की दिक्कतें तो बहुत दिनों से चल रही है। इन लोगों ने मांग कई अधिकारियों से किया है पर अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई आज तक नहीं की है तो इन लोगों को ये भी कहना है कि ग्राम पंचायत के जब चुनाव आते हैं तमाम तरह के नेता मंत्री आते हैं वादा भी करते हैं जीतने के बाद कभी इस मोहल्ले में देखने तक नहीं आते हैं। इस बार इन लोगों ने ये संगठन कर रहे हैं कि जो कोई भी चुनाव के दौरान वोट लेने आएगा उनसे वादा करेंगे अगर हमारी समस्या दूर नहीं होगी तो हम वोट भी नहीं देंगे। तो चलिए हम यहाँ का दलदल दिखाएंगे कुछ लोग यहाँ से निकलेंगे उनकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से बच्चे जा रहे हैं जो फिर आएंगे फिर निकलिए कैसे निकलेंगे कैसे जाएंगे अब इसी तरह से आते जाते हैं और कहीं भी काम के लिए जाते हैं तो इसी तरह का दिक्कत हो रही है। पढ़ाई पढ़ा कैसे हल्के जाते हैं अभी आइए निकलिए कैसे निकल रहे हैं ये पाँव रपटते हैं आपके पावन देखो बच्चों को किस तरह से हाल के निकल रहे हैं ये दलदल मचा हुआ है। इस बार जब ग्राम पंचायत के चुनाव आएंगे या विधानसभा के चुनाव आएंगे तो क्या वादा करेंगे आप किस तरह से उन लोगों से वादा करेंगे या वोट देंगे या नहीं देंगे। जब तक आपके मोहल्ले का विकास नहीं होगा तब तक वोट डालेंगे कैसे वादा करेंगे अब कैसे हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारा गीचर नहीं साफ होगा। हम प्रधानमंत्री को दे हमने मुख्यमंत्री के दाम में सब चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो चाहे डीएम हो चाहे कलेक्टर हो चाहे प्रधान हो चाहे वोट दिया जाएगा जब तक हमारे यहाँ का कोई सुनवाई नहीं होगी हमारी समस्या नहीं दूर होगी अपनी
चलिए और आगे दिखाते हैं कि जो यहाँ पर काफी रास्ताएं दलदल से भरी हुई हैं, चार महीने लोगों को आने जाने में दिक्कत। देख लिया है लेकिन जहाँ चीज देखा जो सर खींच लिया फूटी नहीं। हाँ हो जा दानों के तो कठार हो जाओ। अरे कहे कठार हो, निकल के आएंगे ना। 10 साल से चल रहा है कि कौन कौन मीडिया ले गए हैं, क्यों नहीं आपके यहाँ का विकास हो पा रहा। नहीं तो क्यों नहीं विकास हो पा रहा है, इतने दलदलों से हिल रहे हैं। तो आप देखा यहाँ पर जो लोग आते हैं वो दलदले से ही जा रहा है, और कुछ लोग बोलने का तैयार भी नहीं है। जो विरोधी हैं वो लोग नहीं बोलने का तैयार है, और जिस हरजन मस्तियों वालों को दिक्कत है वो तो आगे आगे अपनी समस्या बता ही रहा है, और वो समस्या मैंने दिखाया है। कहाँ है ना, यहाँ लोग बाहर आते हैं ना, बहुत जा रहे हैं के दिन लोग आते हैं। अच्छा तो यहाँ पर स्थान बहु मरैया थे, दो चार से हजार मराई आदमी आ जाता, कोई वाहन नहीं आया था, सब रोड में खड़े रहते हैं, वाहन पैदल आते हैं, सबका भगवान सुफल कर काम। और देखा जो रास्ता बन जाते हैं गाड़ी घोड़ा आ जाए, जी पाते हैं रोड में ठहरी जाती है, टेम्पो आई हर चीज आओ तो सब खा रहते हैं। बिचारे गिर गिर पाते मलाव से लाद के कोका है मलाव, तो इतना है जोड़ी कहती है जो बन रहा जाए तो हम लोग बहुत नहीं जाकर सर में अपना पान पाल आ जाऊँ है तो भोगी थे अब का जब नहीं कोई सुनता लारखंड का हमारे तकलीफ है न लारखंड का न मोहल्ला का सब नहीं आ रहा कौन वाहन न गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं आता सब देखा गाड़ी घोड़ा सोचना प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाओ। सब आप क्या समझ रहा है, प्रधानमंत्री जी के यहाँ तो जा ही रहा है, पर मतलब अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी को आप दिखाइए पूरा ये नक्शा, और आप देखें आप हमारे निर्णय करें। नहीं देखा हमारा, हमको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है हमारे बच्चों को, हमारे मोहल्ला को, हम 35 साल से हम भोगते होते चले आ रहे हैं, आज तक कोई सुना नहीं है। तो आप सुना यहाँ पर ये पलरंग की दलित बस्ती है, यहाँ पर रास्ता ना होने के कारण कीचड़ मचा हुआ है, और यहाँ हजारों लोग आए दिन गिरते हैं, और जिस तरह से लोग आते जाते हैं वो आप तो तस्वीर में नहीं दिखाया है, और यहाँ पर बहुत कष्ट है लोगों को आने जाने के लिए। लोगों की यही मांग है कि यहाँ या खरंजा पर है या तो RCC पर है, सुनी जाएगी तो यहाँ वोट नहीं मिलेगा किसी को। और लोगों को ये भी कहना है कि चुनाव के दौरान तमाम तरह के नेता मंत्री आते हैं, अगर हमारी समस्या नहीं दूर होगी तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे और रोड भी नहीं देंगे। तो लोग निकलते हैं, चलिए मैंने दिखाएंगे इन लोगों को कैसे ये दलदल से जाएंगे हायल के। ये देखिए जा रहा है। देखो किस तरह से लोग दल दल में हायले हुए हैं, ये देखो। तो आप देखा यहाँ पर कितनी समस्याएं लोगों को है,
और इन लोगों का ये भी कहना है कि 35 साल से इसी तरह से दलदल से लोग हेलने के लिए मजबूर हैं, और जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे यहाँ गिर गए हैं और लूल भी हो गए हैं। ये बच्चा हाल में अभी 15 दिन पहले गिरा है, जिसके हाथ टूटा हुआ है। बच्चे बता रहा था कि मैं पढ़ने जा रहा था, मेरा पांव रपड़ गया, जो इसी दौरान मेरे हाथ टूट गया। अब इसकी पढ़ाई 15 दिन से रुकी हुई है और बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं खरंजे की और ये तो RCC की। तो इन लोगों का ये भी कहना है कि नेता मंत्री तो आते हैं, वादा कर जाते हैं, अगर इस पंचवर्षी में अगर कोई नेता मंत्री आएगा और हमारी समस्या दूर नहीं होगी तो वोट नहीं देंगे, ये चुनाव बहस कार करेंगे। तो बने रहिए हमारे खबरलरिया फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए, और हमको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा लाइव पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त करूँ।